हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आज मैं मध्य प्रदेश की जो सामान्य ज्ञान की सीरीज के तहत अगला वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। आज का जो सामान्य ज्ञान का जो वीडियो है वह है मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल अकेडमी, स्टेडियम व खेल संस्थाएं। मध्य प्रदेश में कितनी खेल एकेडमी हैं और स्टेडियम कहाँ कहाँ पर हैं और खेल संस्थाएं कहाँ कहाँ पर बनाई गई हैं, किस किस जिले में बनाई गई हैं, उन सभी के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक जानकारी होगी। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। मध्य प्रदेश की जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें कहीं ना कहीं पर खेल एकेडमी, स्टेडियम और खेल संस्थाओं के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो MPPSC हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, MPSI का एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सामान्य ज्ञान है। आप इसको अंत तक जब देखें और अगर आपको कोई क्वेश्चंस बनते हैं तो कमेंट के माध्यम से वो क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल एकेडमी, स्टेडियम और खेल संस्थाएँ, उसमें जो पहला है वो है खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग। ये कहाँ पर है? ये भोपाल में स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और ये भोपाल में स्थित है, खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग, ठीक है, और ये भोपाल में स्थित है। अगला है पारसी क्रिकेट क्लब, ये कहाँ पर है? ये इंदौर में है। मध्य प्रदेश की जो बिजनेस राजधानी है, ठीक है ना, यहाँ से व्यवसाय होता है, वो वहाँ पर है ये पारसी क्रिकेट क्लब। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये सबसे पहले हुई थी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी 1890 में, यानी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था अंग्रेजों के टाइम में, उस टाइम में इस पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना की गई थी। अगली जो खेल संस्था है वो है मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन। इसकी ये जो एसोसिएशन है ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है, और इसकी जो स्थापना वर्ष है ये कब स्थापना की गई थी इसकी? 1946 में, देश आज़ाद हुआ था उसके एक वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई थी और ये जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो भी जबलपुर में स्थित है और मध्य प्रदेश का बैडमिंटन एसोसिएशन की जो संस्था है वो भी जबलपुर में है। अगली जो संस्था है वो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, ये कहाँ पर? ये भी जबलपुर में है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी और जबलपुर में ही इसकी ये भी संस्था जबलपुर में है, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन। अगली जो संस्था है वो मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, ये कहाँ पर है? जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है होलकर, तो ये होलकर जो रियासत थी वो कहाँ थी? वो इंदौर में थी। तो ये क्रिकेट एसोसिएशन कहाँ पर है? इंदौर में, और इसकी स्थापना 1941 में की गई थी। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख खेल एकेडमी में अगला जो है वो है महिला हॉकी एकेडमी, ठीक है ना। अब जो जितनी भी होगी वो एकेडमी के बारे में जानकारी होगी, संस्थाएं जो मध्य प्रदेश की थी वो मैंने कवर कर चुका हूँ। अब जो है वो है एकेडमी, तो महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है और ये शुरू की गई थी 2006 में, ठीक है ना, 2006 में महिला हॉकी एकेडमी की शुरुआत की गई थी और ये एकेडमी ग्वालियर में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश खेल संचालनालय, ठीक है ना, ये कहाँ पर है? ये भोपाल में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, शुरुआत कब की थी? 1975 में ये संचालनालय चालू हुआ था और ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश खेल संचालनालय। अगला है हॉकी एकेडमी, हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हॉकी एकेडमी है। अगला है टेबल टेनिस एकेडमी, ये इंदौर में स्थित है, टेबल टेनिस एकेडमी ये इंदौर में स्थित है। तीरंदाजी एकेडमी ये जबलपुर में है। शूटिंग एकेडमी भोपाल में स्थित है, शूटिंग चैम्पियनशिप जो होती है जिसमें कि अलग अलग खिलाड़ी शूटिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें रिवॉल्वर और अलग अलग राइफल्स का उपयोग किया जाता है, जिससे कि ये प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं खिलाड़ी, और ये एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी ये ग्वालियर में स्थित है। अगली है मार्शल आर्ट अकेडमी, ये भोपाल में स्थित है। अगली जो एकेडमी है वो है साइकिलिंग एकेडमी, ये जबलपुर में स्थित है, जबलपुर जो कि नर्मदा प्रवाहित होती है यहाँ से, और जबलपुर के पास में ही अनूपपुर जिला है, वहाँ पे नर्मदा नदी का उद्गम है, और ये जो एकेडमी है साइकिलिंग एकेडमी कहाँ पर है?
जबलपुर में, जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है, हाईकोर्ट। अगली एकेडमी है एथलेटिक्स एकेडमी, ये भोपाल में स्थित है, ठीक है। और यहीं पे एथलेटिक्स एक्टिविटीज़ के लिए स्टेडियम है, तात्या टोपे स्टेडियम, वो भी भोपाल में ही स्थित है। अगली एकेडमी जो है इसमें है वेट लिफ्टिंग एकेडमी, ये जबलपुर में स्थित है, ठीक है ना। जबलपुर में ही जो व्हीकल फैक्ट्री है, ठीक है ना, आर्मी की जो व्हीकल फैक्ट्री है वो भी जबलपुर में स्थित है, और गन कैरेज फैक्ट्री वो भी जबलपुर में स्थित है, और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है उसकी जो बेंच है वो भी जबलपुर में स्थित है, ठीक है। और वेटलिफ्टिंग एकेडमी कहाँ है, ये भी जबलपुर में है। मलखम एवं जिमनास्टिक एकेडमी, ये उज्जैन में है, मध्य प्रदेश का ये गेम है, मध्य प्रदेश में ही खेला जाता है। मलखम और जिमनास्टिक एकेडमी भी उज्जैन में खोली गई है, और यहाँ पे सारे प्रशिक्षण जो मलखम के हों, जिमनास्टिक के हों, जो उज्जैन में ही, उज्जैन की इस एकेडमी में दिए जाते हैं। मलखम में जो अवार्ड दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, जो अभी 2013 में चालू हुआ है, वो है प्रभास जोशी, ठीक है ना, प्रभास जोशी पुरस्कार, ठीक है ना, प्रभास जोशी पुरस्कार है, ये 2013 में चालू किया गया है, और मलखम को प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड, ये वाले प्राइज इन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि मलखम में हिस्सा लेते हैं और उनमें जो उपलब्धि हासिल करते हैं उसमें ये वाला पुरस्कार दिया जाता है। अगली है नेशनल सेलिंग स्कूल एकेडमी, नेशनल सेलिंग मतलब जो वाटर स्पोर्टिंग एकेडमी होती है, यहाँ पे की सेलिंग की जाती है, नौका विहार किया जाता है और नौका चैंपियनशिप होती है, वो एकेडमी कहाँ है, भोपाल में। भोपाल में ये कहाँ पे की जाती है नौका एकेडमी, बड़े तालाब में, जो बड़ा तालाब है, ठीक है ना, भारत का, वो भोपाल का, सब माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे ये नेशनल सेलिंग स्कूल एकेडमी है और वहाँ पे इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले हैं स्टेडियम्स, ठीक है ना, एसबाग स्टेडियम कहाँ है, एसबाग स्टेडियम है भोपाल में, और यहाँ क्या खेला जाता है, यहाँ पे हॉकी होती है, ठीक है ना, हॉकी स्टेडियम है ये, और हॉकी भोपाल मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, इसका स्टेडियम है भोपाल में, और इसका नाम है एसबाग स्टेडियम। अगला स्टेडियम है नेहरू स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है, इंदौर में, और यहाँ पे अन्य जो भी गेम्स होते हैं वो नेहरू स्टेडियम में खेले जाते हैं, और ये कहाँ पर है, इंदौर में, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है, और यहीं पर होलकर रियासत है, और उनका जो बाड़ा है, ठीक है ना, रजवाड़ा, वो वहाँ यहीं पर इंदौर में स्थित है। अगला है रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है, यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है, वर्ल्ड कप और अन्य वनडे और टेस्ट के जितने भी क्रिकेट होती है वो रूप सिंह स्टेडियम में खेली जाती है, इंटरनेशनल स्टेडियम है ये, और ये ग्वालियर में स्थित है। अगला स्टेडियम है तात्या टोपे स्टेडियम, इस स्टेडियम में एथलेटिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जितनी भी एथलेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो तात्या टोपे स्टेडियम में की जाती है, और ये भोपाल में न्यू मार्केट, ठीक है ना, न्यू मार्केट एक जगह है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है ये, ठीक है, और न्यू मार्केट टीटी नगर, तात्या टोपे नगर के ही नाम से है ये, और वहाँ पर तात्या टोपे नगर है, वहाँ पर ये स्टेडियम है, तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में, एथलेटिक एक्टिविटी इसी स्टेडियम में की जाती है। अगला स्टेडियम है अशोक पटेल स्टेडियम, ये जबलपुर में स्थित है, अशोक पटेल स्टेडियम जबलपुर। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, ये कहाँ पर है, रीवा में। अगला स्टेडियम है होलकर या ऊषा राजे स्टेडियम, इसे होलकर स्टेडियम भी कहते हैं या फिर ऊषा राजे स्टेडियम कहते हैं, ये कहाँ पर है, ये है इंदौर में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, बिजनेस राजधानी, बिजनेस कैपिटल भी कहते हैं इंदौर को, और इंदौर में ही उच्च न्यायालय की दूसरी बेंच भी है, ठीक है ना, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी सेकेंड बेंच कहाँ पर है, इंदौर में है, और वहीं पर है ये होलकर स्टेडियम या फिर ऊषा राजे स्टेडियम। अगला स्टेडियम है बॉबे अली स्टेडियम, ये कहाँ पर है, भोपाल में। बॉबे अली स्टेडियम में क्या खेला जाता है, क्रिकेट, ठीक है ना, क्रिकेट स्टेडियम है ये, और ये ओल्ड भोपाल जो है वहाँ पर है ये, ठीक है, और वहाँ पर क्या खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है, बॉबे अली स्टेडियम। अगला जो स्टेडियम है वो है अभय खेल स्टेडियम, ये भी इंदौर में स्थित है, इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, ठीक है, और इंदौर से ही जो कौन सी नदी का उद्गम है, इंदौर में जो महू से कौन सी है, चंबल नदी, ठीक है ना, चंबल नदी का उद्गम महू से होता है, और ये जानापावा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और वहीं पर इंदौर में ही है ये अभय खेल स्टेडियम, जो कि इंदौर की मतलब मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है।
दोस्तों मेरे इस वीडियोस को आप लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, जो कि मध्य प्रदेश की खेल संस्था एकेडमी और अन्य जो भी खेल की चीज़ें हैं उसके बारे में जुड़ा हुआ है ये। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे और मेरे आने वाले वीडियोस को भी आप नोटिफिकेशन से माध्यम से देख पाएंगे और अधिक से अधिक सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी ले पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो में समाप्त करता हूँ और अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें और वो भी मध्य प्रदेश की ही सीरीज में जुड़ा रहेगा। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।